नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली हार के बाद जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं गठबंधन के दूसरे घटक दल अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे हैं। इसी कड़ी में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा है कि गठबंधन के कुछ साथी अति आत्मविश्वास में थे और उन्होंने अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंस में रखा। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने कहा, गठबंधन के कुछ नेता बहुत हवा बना रहे थे। उनके पास खुद अपना वोट नहीं था, लेकिन वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो खुद तो अति आत्मविश्वास में थे ही, अखिलेश यादव को भी इसी भुलावे में रखा। वहीं मौर्य से जब पूछा गया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें गठबंधन के सभी साथी शामिल हैं। वहीं अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने भी हार के लिए संगठन में खामियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा, इस बार के चुनाव में जनता का मन सपा की तरफ था, माहौल अनुकूल था, अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। तो वही मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन से हिसाब लेने की धमकी अब भारी पड़ने वाली है। अब्बास पर 4 मुकदमे चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज कर दिया गया है। इस पर विवेचना भी शुरू कर ली गई है। लखनऊ में 2 और गाजीपुर में पहले से ही 1 केस दर्ज है। नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को 6 महीने तक यहीं रखकर हिसाब किताब करने का वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर पुलिस ने शहर कोतवाली में धमकी का केस दर्ज किया था। चुनाव आचार संहिता के मामले में ही 2 और केस दर्ज किए गए हैं। इस पर बिना परमिशन के जुलूस निकालना और जीत के बाद भी जुलूस निकालना रहा है। दक्षिण टोला थाने में भी बिना परमिशन के भीड़ इकट्ठा करने का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के कद्दावर पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू से चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बहरहाल केशव अभी विधान परिषद सदस्य हैं, ऐसे में केशव को योगी सरकार में जगह मिलेगी या उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगले सप्ताह तक तय करेगा। केशव ने विश्व हिंदू परिषद के जरिए बीजेपी की राजनीति में कथम रखा था। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के करीबी रहे केशव को आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सर, सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल सहित अन्य नेताओं का भी करीबी माना जाता है। संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रयास से ही पिछड़े वर्ग के बीच केशव की पार्टी के चेहरे के रूप में पहचान स्थापित की गई। सूत्रों के मुताबिक पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही केशव के मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में आज और कल होने वाली बैठक में संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के स्तर पर केशव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो एक कन्नौज में मीट की दुकान सड़क पर देख बीजेपी कार्यकर्ता निरंजन त्रिवेदी का पारा चढ़ गया और बीजेपी कार्यकर्ता निरंजन त्रिवेदी ने दुकानदार की पाकिस्तान से तुलना कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि क्या पाकिस्तान समझ रखा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने खुद इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता का नाम निरंजन त्रिवेदी है। तो कन्नौज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता का एक विवादित जो मसला है वो दरअसल सामने आया है और इस मसले को उन्होंने खुद एक वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया और फिर इसको खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि मीट की दुकान एक खुली हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता निरंजन का पारा इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने दुकानदार की पाकिस्तान से तुलना कर दी। तो मीट की दुकान खुली हुई थी कन्नौज में, जिसको देखने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता निरंजन का पारा इस कदर चढ़ा कि उन्होंने इस दुकानदार की तुलना पाकिस्तानी से कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि क्या पाकिस्तान समझ रखा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने खुद इस पूरे वीडियो को बनाया है और सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता का नाम निरंजन त्रिवेदी है। ये क्यों नहीं, तुमको जो दुकान है लाट है तो किस सड़क पे बैठ रहे हो? पाकिस्तान नहीं है ना, कानून को मानोगे कि नहीं मानोगे? कल जब मना करके गए थे तो आप लोग क्यों इसको पार किए?
पीछे नहीं, सड़क से अंदर, ये आपका बाहर पर्दा पड़ा हुआ, अंदर आपका इलाटा, अंदर जैसे पहले चलाते थे, आज बाहर चलाने क्यों नहीं बताते? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, अंदर हो जाएगा, कल से हो जाएगा, कल से तुमने दिखाई तो नहीं पड़ेगा। तो विश्व की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के 17 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा है, जहां पर ताजमहल और लाल किला देखने के बाद अमर होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया से आए प्रतिनिधि मंडल का रंगारंग कार्यक्रम से स्वागत किया गया। विदेशों से आए मेहमानों के लिए आगरा निगम प्रशासन की तरफ से स्वच्छता सुरक्षा ध्यान रखी गई है। तो आगरा में 17 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और ऐसे में तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ऐसे में प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता का निगम की ओर से ध्यान रखा गया है। तो आपको बता दें कि ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से आए इस प्रतिनिधिमंडल का रंगारंग कार्यक्रम के साथ स्वागत और सत्कार किया गया है। आगरा ऐतिहासिक नगरी है विश्व के, सभी टूरिस्ट भी यहाँ ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आरटीविया का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 17 मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के हैं, वो ताजमहल को देखने के लिए आज आए हैं। अमरनाथ पर यहाँ पर उसको वेलकम किया है आगरा की ओर से, और ताजमहल और उसके बाद किला का उनका भ्रमण का कार्यक्रम है, देखने के लिए आए हैं। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओ बिरला जी ने जब भी प्रतिनिधिमंडल इंडिया में आया तो एयरपोर्ट दिल्ली पर उनका वेलकम किया था, तो आगरा में मैंने इनका वेलकम किया है। और आगरा जिस प्रकार से बदलता हुआ शहर है, खूबसूरत शहर है, और आगरा में जिस प्रकार से टूरिस्ट को देखते हुए पिछले 5 वर्ष के अंदर अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, तो यही कारण है कि वो इंडिया के लोग हों चाहे वो इंडिया के बाहर के लोग हों। कन्नौज के तालग्राम कस्बे में पुलिस की टीम की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। एंटी रोमियो टीम ने महिला सुरक्षा के तहत लोगों को 1090-1098 समेत महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। महिलाओं और छात्राओं को ऑपरेशन कवच के बारे में भी बताया गया। तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1098 के बारे में पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी महिलाओं को, और साथ ही साथ सुरक्षा कवच के बारे में भी बताया है। तो ऑपरेशन सुरक्षा कवच क्या कुछ है इसके बारे में भी छात्राओं को जानकारी दी गई, महिलाओं को जानकारी दी गई। तो पुलिस के अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को और छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई और साथ ही साथ कवच ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया। तो कुशीनगर में हर साल की तरह इस साल भी होली के पहले मारवाड़ी समाज की तरफ से फागुन महोत्सव मनाया गया, जिसमें समाज के लोगों की तरफ से निशान यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं। रविवार को भी मारवाड़ी समाज के लोग खाटू श्याम मंदिर के लिए निकाली गई निशान यात्रा में झंडा लेकर चल रहे थे, तभी पडरौना नगर के रामकोला रोड पर बिजली के तार से झंडा छू जाने पर करंट झंडे में उतर आया, जिसके चलते यात्रा में शामिल कई लोग घायल हो गए। इस दौरान भगदड़ मच गई। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर निशान यात्रा निकाली गई थी, ऐसे में लोग गाजे बाजे और झंडों के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन एक झंडा एक बिजली के तार से टकरा गया और जिसके बाद करंट जो बिजली का था वो उस झंडे में उतर आया, इसके बाद कई लोग घायल हुए। अब आपको बता दें कि इनमें से एक की मौत हो गई है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job.
अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर के उतरौला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक आरोपी को गोली भी लगी है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। बारह मार्च को थाना क्षेत्र उतरौला में एक गौकशी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना उतरौला पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी उतरौला व प्रभारी निरीक्षक उतरौला के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और लगातार पुलिस द्वारा घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज 13 तारीख को मुखबिर द्वारा सटीक सूचना दी गई कि घटना में संलिप्त अभियुक्तगण भागने की फिराक में है, जिस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपने साथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्त उनमें से एक अभियुक्त जीशान द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त गणों पर फायर किया, जिसमें जीशान नाम के एक अभियुक्त को बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त जीशान को तत्काल CHC उतरौला में एडमिट कराया गया, जहां से उसको चिकित्सालय बलरामपुर में रेफर कर दिया गया। औरैया में होली का त्यौहार आते ही मिलावटी खोए की सप्लाई शुरू हो गई है। बता दें कि होली पर खोए को काफी पसंद किया जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, जिसको लेकर खाद्य विभाग सतर्क बना हुआ है। मिलावटी खोए को लेकर सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई। जानकारी के मुताबिक जालौन साइड से गाड़ी में मिलावटी खोए को लाया जा रहा था, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ लिया और चेक किया तो पता चला कि भारी मात्रा में 30 क्विंटल मिलावटी खोए को कानपुर सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खोए को सैंपल चेक करने के लिए भेज दिया है। मिलावटी खोए की गाड़ी काफ़ी दिनों से यहाँ से औरैया बॉर्डर से क्रॉस कर रही थी और त्योहारों के सीजन में इसकी प्रबलता ज़्यादा बढ़ जाती खोए में मिलावट होने की, तो इसकी रेकी करके इसको पकड़ा गया है
खोए में मिलावट होने के संदेह पे नमूने भरवाए जा रहे हैं और सीजर किया जाएगा गाड़ी का। ये खोया कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा है? ये कानपुर मंडी में खपने जा रहा है और जालौन से और कुछ और जगह से एकत्रित होकर के औरैया से कुछ लेकर जा रहे हैं। लगभग कितना हुआ? ये लगभग दो तीन क्विंटल के आसपास है, तीस क्विंटल के आसपास है। कौन कौन? पूरी टीम है हमारी, मौके पर गाड़ी के चालक थे, ये गाड़ी के मालिक भी आए हैं और पूरी खाद्य सचल विभाग की टीम ने पकड़ा है ये। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका देवकली से 10 मार्च को पल्सर सवार बदमाशों ने 10 लाख के नोटिस चस्पा करते हुए रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी ना देने पर बेटे की हत्या कर देने की धमकी दी गई। 11 मार्च को शिक्षिका के पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मामले को दबा दिया। कार्रवाई ना होते देख 12 मार्च को पीड़ितों ने मीडियाकर्मियों से मिलकर जानमाल सुरक्षा की गुहार लगाई तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों का बयान दर्ज करते हुए घर के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए देर रात अज्ञात के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज किए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, वहीं शिक्षिका का पूरा परिवार सहमा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी भारी मतों से सत्ता में आ गई हो, लेकिन बेरोजगारी अभी भी युवाओं के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। एक युवा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, तमाम डिग्रियां हासिल करता है, लेकिन क्या हो अगर उन डिग्रियों का कोई वजूद ही ना हो? वो डिग्रियां आखिर किस काम की जब युवा को उन डिग्रियों के बलबूते भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़े। बता दें कि जीत के बाद मैनपुरी के करहल में एक युवक ने नौकरी ना लग पाने के चलते अपने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को जलाकर वीडियो वायरल कर दिया। युवक योगी की सरकार में रोजगार की उम्मीद ना होने की बात कहता हुआ अपनी मार्कशीट को आग के हवाले करने की बात करता हुआ देखा जा सकता है। विधानसभा ये जो पूरा मामला है ये करल विधानसभा निवासी सीलत रतन का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में बीती रात अपराधियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दीदारनगर थाना क्षेत्र के गुवाऊ गांव में अपराधियों ने धारदार हथियार से नानी और 12 साल की नातिन को मौत के घाट उतार दिया। लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ SP अनुराग आर्य खुद मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। इस जघन्य वारदात का कारण अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी है। अब इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। गोरखपुर पुलिस ने होली के पहले ही लोगों को खोए हुए मोबाइल लौटाने के रूप में बड़ी सौगात दी है। पुलिस ने 57 मोबाइल बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अलग अलग जगहों से मोबाइल पाते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। जिन चेहरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी भी उनका मोबाइल उनके पास वापस आएगा वो भी खुश दिखाई दिए। गोरखपुर पुलिस और साइबर सेल की मशक्कत से ये सफलता हाथ लगी है। अलग अलग कंपनियों के महंगे एंड्रॉयड मोबाइल को फिर से पैक किया गया ताकि गोरखपुर पुलिस की ओर से खोए हुए मोबाइल के रूप में लोगों को सौगात दी जा सके। आज हमारे यहाँ पर हमारी सर्विलेंस टीम ने 57 मोबाइल हैं जो कि गुम हो गए थे वो बरामद किए हैं और इनके मालिकों को लौटाया है। इनका कुल बाजार मूल्य लगभग 4.5 लाख रुपए है और ये अपने अपने जो इनके मालिक हैं उनको लौटाया गया है। ये मोबाइल कई जगह पर या तो ये भूल गए थे या इनके गुम हो गए थे जिनकी शिकायत इन्होंने पुलिस को की थी और ये 57 मोबाइल हैं जो आज बरामद करके वापस दिए गए हैं। इसमें से तकरीबन 1 दर्जन महिलाएं हैं जिनका मोबाइल आज लौटाया गया है और होली के शुभ अवसर पर ये गोरखपुर पुलिस तरफ से एक उनको सप्रेम भेंट है। त्रिपाठी किया हम डॉक्टर बीबी त्रिपाठी के ऑर्थोकेयर में हम काम करते हैं, वहीं हमने चार्जिंग लगाया था अपने स्टाफ रूम में और हल्की से हमारी हाथ लग गई, बस वहीं से लेके चला गया। कितने दिनों के बाद आज मिला? सर 2 महीने बाद मिला है। कितने का मोबाइल था? सर 13,500 का हमारा मोबाइल था। पुलिस के लिए गोरखपुर पुलिस ने सर बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोलेंगे क्योंकि हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हमारा मोबाइल सर मिल गया। बात के लिए बड़ी बात महंगा रकम तीनों दिन खरीदूंगी।
संभल के गुन्नौर थाना के गांव गढ़िया में वीरपाल नाम के युवक की जंगल में घेर कर तबंगों ने लाठियों से बेरहमी के साथ पिटाई कर दी, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर थाने गए, जहां से पुलिस ने घायल जांच के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज के बाद युवक को वापस घर भेज दिया है, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। वहीं सीओ ने चुनावी रंजिश से इंकार किया है। बता दें कि सभी हत्या के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुट गई है। तो संभल से तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि दबंगों ने लाठियों से एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी, और ये पूरा मामला जो है ये गुन्नौर के गांव गठिया का है, जहां पर वीरपाल नाम के युवक की जंगल में घेर कर दबंगों ने लाठियों से बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर थाने गए, वहां से पुलिस ने घायल को जांच के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर ने इलाज के बाद युवक को घर भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। सीओ ने किसी भी तरीके की चुनावी रंजिश से फिलहाल इनकार किया। ग्राम गड़िया कोतवाली गुन्नौर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, ये आपसी पार्टीबाजी का मामला है, चुनावी रंजिश इसमें कोई नहीं है। जैसे कि उसके परिजनों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीडीसी का चुनाव लड़ा था, उसको लेकर रंजिश नहीं, इनमें आपस में मुकदमेबाजी काफ़ी दिनों से चली है और अभियोग भी पंजीकृत हैं। फिलहाल पार्टीबाजी वाली आपसी पार्टीवादी है, चुनावी रंजिश कोई नहीं। कितने लोग टोटल नाम जाते हैं, कोई गिरफ्तारी है क्या? 6 लोग नाम जाते हैं। गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां की कुवानो नदी में एक नाव पलट गई। नाव में आपको बता दें कि एक दर्जन से ज़्यादा जो बच्चे थे वो सवार थे। आपको बता दें कि पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के घोप घटा बरगदवा पर हुआ है, जहां पर एक नाव पलट गई। नाव पलटने से उसमें एक बच्चे के डूबने की भी खबर बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक बच्चा लापता है। ऐसे में लापता जो बच्चा है उसका नाम ऋतिक चौधरी बताया जा रहा है, जो कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बरगदवा गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना के 2 घंटे बाद भी गोताखोर नहीं पहुंचे, 2 घंटे बाद भी कोई गोताखोर वहां नहीं पहुंचा। अभी आपको फिलहाल बता दें कि सूचना के 2 घंटे बाद भी जब गोताखोर नहीं पहुंचे, इसके बाद मौके पर फिलहाल चौकी इंचार्ज गणेशपुर पहुंचे और तलाशी अभियान को शुरू करवाया है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला बस्ती का है, जहां बस्ती के कुवानो नदी में एक नाव पलट गई। नाव में आपको बता दें कि एक दर्जन बच्चे सवार थे और एक बच्चे की अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है, लापता बताया जा रहा है। नाम ऋतिक चौधरी है, जो कि बरगदवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अब तलाशी अभियान की तस्वीरें हैं। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पारस नाथ, हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस जी, क्या है पूरा मामला, और 2 घंटे बाद भी गोताखोर नहीं पहुंचे और ना ही स्थानीय पुलिस पहुंची, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक चौकी इंचार्ज पहुंचे और तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अभी क्या अपडेट है, एक बच्चा डूबा है, लापता बताया जा रहा है, ऋतिक चौधरी नाम है जिसका, वो मिला है या नहीं मिला है अभी तक? मामला थाना क्षेत्र का है, नाव से नहाने के लिए गए थे और अचानक बीच में कोशिश से नाव पलट गए थे, लगभग 3 बच्चे नदी में गिर गए थे, इसी तरह से बाकी सभी बच्चे निकल गए। एक चौधरी चौधरी गाँव बनाने वाला है, वो अभी भी लापता है, जिसको खोजने के लिए वहाँ के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। लगभग 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची, बाद में उन्होंने अपने तरीके से जो है वो खोज किया, लेकिन अभी तक बच्चा मिल नहीं सका है। ठीक है, और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, जो परिजन है जो बच्चे के, उनकी क्या स्थिति है, और साथ ही साथ क्या पुलिस की ओर से कहना है कि बच्चा जो डूबा है वो कब तक ढूंढ लिया जाएगा, या फिर आगे क्या कुछ बताया जा रहा है? पुलिस
अगर ये नदी सुरक्षित नहीं थी तो यहाँ पर एक दर्जन बच्चे क्या कर रहे थे इस नाव में? चलिए भारत जी, लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा और जैसा अपडेट होगा हमको बताते रहिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला बस्ती का है, जहां पर एक नाव पलट गई। नाव में आपको बता दें कि एक दर्जन बच्चे इस नाव में सवार थे। नाव पलट गई, बस्ती की ये घटना, और अभी तक एक बच्चा जिसका नाम ऋतिक चौधरी है अभी तक लापता बताया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा सवाल खड़े करती ये बात है कि 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा, ना ही गोताखोर और ना ही स्थानीय पुलिस। लोगों का कहना है कि सूचना दी गई थी, हमारे संवाददाता का भी कहना है कि सूचना दी गई थी, लेकिन 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। अभी फिलहाल पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन तलाशी अभियान चला रही है। बाद बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।